students. Now this time is a story time. Let me tell you a very interesting story, The Greedy Dog. The Greedy Dog. There was a dog that was hungry. He searched for food everywhere and at last he found a bone. A greedy dog यानी एक लालची कुत्ता, वो भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और लास्ट में आखिरकार उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. उसने वो हड्डी का टुकड़ा क्या किया, अपने मुंह पे डाला, मुंह से उठाया और अपने घर की तरफ जाने लगा. There was a bridge on the way his home. There was a bridge on the way this home. उसके घर के रास्ते में क्या पड़ा, एक ब्रिज था. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. जब वो ब्रिज से क्रॉस कर रहा था तभी उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन यानी अपनी परछाई देखी. उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी. उसने देखा कि एक और डॉगी पानी में है जो कि अपने मुंह पे एक हड्डी का टुकड़ा लिया हुआ है. द डॉग थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग विथ अ बोन इन वाटर यानी पानी में एक और कुत्ता है जो अपने मुंह पे एक बोन लिया हुआ है, हड्डी का टुकड़ा लिया हुआ है. ही वॉन्टेड टू गेट द अदर बोन टू. अब वो उसके मुंह का भी बोन चाहने लगा कि उसे मिल जाएगा तो उसे दो दो हड्डी मिल जाएगी खाने को. सो ही स्टार्टेड बर्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. तो वो अपनी परछाई पर ही भोंकने के लिए मुंह खोला. द बोन फेल इज वाटर एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ. जैसे ही वह भोंकने के लिए अपना मुंह खोला उसके मुंह से हड्डी नीचे गिर गई. द ग्रीडी लॉस्ट हिज बोन. वो लालची डॉगी अपना बोन खो दिया. तो स्टूडेंट, मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नेवर बी ग्रीडी. हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? वी लर्न वी शुड नेवर बी ग्रीडी. आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी, लर्न दिस स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, stay home, stay safe. Thank you.